हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप सभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईटी टी एम्प्लॉयज़ क्यों रिज़ाइन करते हैं एक्टिवली ओके तो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने एक सर्वे किया था एंड उस सर्वे में जो रिज़ल्ट आया कि 41 परसेंट ऑफ जो आईटी कंपनीज़ में जो एम्प्लॉय हैं या तो अपना जॉब क्विट करना चाहते हैं या तो अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं ठीक है अब मतलब ऐसा क्यों है वो क्यों क्विट करना चाहते हैं क्यों प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं ओके okay, बहुत सारी मैंने भी इंटरनेट पे वीडियो देखी एनालिसिस किया बट बेसिकली मैं एक कंक्लूज़न पर आया मैं इस वीडियो में जो आपको बताऊँगा वो एक्चुअल रीजन होगा जो एक्चुअल फैक्ट्स होंगे और एक्चुअल पॉइंट्स होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो अब्राहम मेस्लो करके एक अमेरिकन फिजोलॉजिस्ट थे ओके okay? सो so, उन्होंने एक थियोरी बनाई थी मेशलो हैरकी फॉर ह्यूमन नीड्स सो so, उस थियोरी के हिसाब से जो मैचलो हेरकी फॉर ह्यूमन नीड्स आदमी की जो नीड होती है वो डिवाइड होती है पांच मतलब स्टेजेस में तो पहले जो आदमी की नीड जो बेसिक नीड होती है वो होती है फिजोलॉजिकल नीड्स जो होता है फूड वाटर शेल्टर आ, फूड वाटर शेल्टर और क्लोथिंग ठीक है जिसको हम बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान सो so, आदमी को पहले ये चीज़ें चाहिए होती है ठीक है मैं पहले वो मैं स्लो लॉ बता देता हूँ उनके पाँचों पॉइंट्स फिर आपको एक्जैक्टली बताऊँगा एग्जैक्टली है वो इसको हम रिलेट कैसे कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री से सो ह्यूमन नीड्स ठीक है फिर होता है सेकेंड पॉइंट की सेफ्टी uh, मतलब सिक्योरिटी नीड्स सिक्योरिटी नीड्स यानी ह्यूमन की सिक्योरिटी नीड ये होती है कि जो उसकी जॉब हो वो सिक्योर रहे जो उसका होम है वो सिक्योर रहे जो उसका फाइनेंस मतलब जो उसके पास पैसे हैं वो सिक्योर रहें ठीक है सेकेंड नीड ये हो गई फिर थर्ड नीड होती है लव एंड बिलोंगिंग्स मतलब उसके अच्छे कनेक्शन हो फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाए वो अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाए अच्छे दोस्त बनाए ओके एंड जो फोर्थ जो स्टेज है वो है सेल्फ एस्टीम तो सेल्फ एस्टीम में क्या होता है आदमी थोड़ा सा मतलब आ, अपने स्टेटस पे ध्यान देता है वो चाहता है कि मेरा एक स्टेटस हो मेरे मेरी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े मेरे कनेक्शंस है वो स्ट्रांग हो वो एम्पावर होना चाहता है एंड जो लास्ट स्टेज है वो है सेल्फ एक्चुलाइजेशन एंड सेल्फ एक्चुलाइजेशन में आदमी वो काम करना चाहता है मतलब आदमी अपने फुल पोटेंशियल पे होता है बिकॉज ऑलरेडी उसने फोर स्टेजेस क्लियर कर लिए होते हैं अपने लाइफ के वो फाइनेंशली फ्री हो चुका होता है तो सेल्फ एक्चुलाइजेशन स्टेज पे क्या होता है वो ये जान चाहता है कि एक्चुअली उसे लाइफ में करना क्या है ठीक है एंड uh, मतलब वो जब उसे ये पता चल जाता है करना क्या है तो बट ऑबियस है वो वो चीज़ करने लगता है जो उसे करना है ही ही स्टार्ट डूइंग व्हाट ही लव टू डू एंड व्हाट ही वांटेड टू डू फ्रॉम लाइक फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ तो ये स्टेजेस हैं एंड अगर हम कम बैक करते हैं अपने क्वेश्चन पे कि आई टी एम्प्लॉय क्यों लीव करते हैं तो पहला रीज़न तो यही हो गया कि क्या होता है अकॉर्डिंग टू मैशल लॉ आईटी इंडस्ट्रीज़ में सैलरी हाई होती है तो जो आदमी की जो फर्स्ट टू नीड है मतलब फिजोलॉजिकल नीड सेफ्टी नीड फुलफ़िल हो जाती है रोटी कपड़ा और मकान मतलब इजीली अवेल कर सकता है बिकॉज उसकी सैलरी ऑलरेडी हाई होती है आई एम्प्लॉय की सेफ्टी की बात रही तो आई की अभी बहुत डिमांड है ओके सो हंड्रेड परसेंट टू हंड्रेड परसेंट थ्री हंड्रेड परसेंट ईजिली मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं इन अ मंथ एटलीस्ट सिक्स कॉल आई एल गेट छह कॉल आते हैं मुझे मिनिमम एंड जो हाइक होती है वो रेंज करती है थर्टी परसेंट से एंड द मैक्सिमम लाइक फॉर हाइक कॉल आई रिसीव मतलब जो हाइक देने के लिए रेडीटे वो थे थ्री हंड्रेड परसेंट ऑन माई करेंट पे सो कॉल्स मतलब आते रहते सो पीपल फील सेफ लाइक आई कैन ईजिली गेट अ गुड जॉब और इफ़ आई चेंज ऑल्सो आई कैन गेट अ गुड जॉब फाइनेंशियल लीड भी फुल फिल फुलफिल हो जाती है फिर जब वो थर्ड स्ट्रीट पर पहुँचता है मतलब लव एंड बिलोंगिंग्स मतलब उसके अच्छा पैसा है एंड ही इज़ वर्किंग इन एज इन आई टी इंडस्ट्री सो लाइक ही इज़ हैविंग गुड कनेक्शन उसके पास फ्रेंड्स हैं कनेक्शंस हैं एंड फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकता है एंड uh, और क्या होता है एज एन आई टी एम्प्लॉय आप बहुत जल्दी एम्पावर एंड वो चीज़ें फील करने लगती है बिकॉज आपके पास नॉलेज होता है दैट दैट इज़ लाइक क्रेजी आप जो लेवल का नॉलेज गेन कर सकते हो एज एन आईटी टी एम्प्लॉय मतलब वो एक अलग ही लेवल uh, का नॉलेज होता है बिकॉज यहाँ पे लिमिट नहीं होती है इंडस्ट्री में ओके यू विल बी वर्किंग विद डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट टीम्स अराउंड द ग्लोब आप भले इंडिया में हो आप एक कनाडा की टीम के साथ काम कर रहे हो आप ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ काम कर रहे हो आप इंग्लैंड की टीम के साथ काम कर रहे हो सो यू कैन गेट द क्रेजी नॉलेज तो यहाँ क्या होता है जो आपका फोर्थ स्टेज है जो स्टेटस एम्पावरमेंट एंड जो सेल्फ एस्टीम वाला स्टेज है ईजिली वो भी फुलफिल हो जाता है तो आदमी सीधा क्या होता है कुछ ही टाइम पीरियड में मे बी वन ईयर में भी ही रीच टू अ लेवल और ही रीच टू अ स्टेज उसको फील होता है आई शुड डू वॉट आई लव टू डू मुझे वो करना चाहिए जो मुझे करना था या जो मुझे करना पसंद है ही फाइंड दैट थिंग लाइक ईजिली जस्ट बिकॉज उसके पहले के तीन या चार स्टेजेस जो उसकी नीड्स हैं जो ह्यूमन की नीड्स होती हैं फुलफिल हो चुकी हैं वेरल्स क्या होता है कि अगर आप आपकी सैलरी अच्छी नहीं है आप अच्छी अफोर्ड लाइफ नहीं कर पा रहे सो यूल बी लाइक फाइंडिंग दैट थिंग फर्स्ट राइट आप सोचोगे कि मतलब एटलीस्ट मैं पहले अपना रोटी कपड़ा मकान तो अच्छा करूँ देन यू विल गोइंग फॉर लाइक द अदर थिंग्स कि अब मैं कुछ और करता हूँ तो ये एक पहला रीजन हो गया ठीक है यू गेट एवरी थिंग हियर विद इन लेस टाइम सो यू फील लाइक आई शुड डू वॉट आई लव टू डू अब इस 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 केस में क्या होता है या तो आप, आप खुद से ही कुछ करना स्टार्ट कर देते हो या तो आप अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हो इट मीन्स यू स्टार्ट वर्किंग लाइक यू स्विच अ कंपनी एंड यू चेंज योअर प्रोफेशन आप किसी और रोल पर काम कर रहे थे आप सॉफ्टवेयर रोल पर काम कर रहे थे बट यू लव कम्युनिकेशन यू लव टू कनेक्ट विद पीपल सो यू गो फॉर लाइक इंटरनल कम्युनिकेशन और दिस काइंड ऑफ रोल आप उस रोल में चले जाते हो ठीक है या तो आप क्विट कर देते हो या तो आप दूसरी कंपनी में वो रोल मांगते हो जो जो, जो आपको पसंद है एंड दूसरा केस क्या होता है सम पीपल लाइक फ्यू कोहट ऑफ पीपल कुछ लाइक uh, like, uh, जो लोग होते हैं दिस स्विच फॉर मनी ओके बिकॉज लाइक वंस यू चेंज द कंपनी द हाइक विल बी हंड्रेड टू हंड्रेड और थ्री हंड्रेड परसेंट और अनीमम ऑफ थर्टी टू फिफ्टी परसेंट फॉर श्योर ओके मतलब एज अ फ्रेशर लेवल पे इतना हाइक मिलता है मतलब अगर आप एक अच्छे लेवल पे हो देन लाइक आई डोंट नो व्हाट विल बी बट विद इन वन टू ईयर यू कैन ईजिली गेट दिस मच ऑफ हाइक्स लाइक अप टू टू हंड्रेड और थ्री हंड्रेड परसेंट डिपेंड करता है आपके करंट सैलरी पे भी सो so, एंड तीसरा जो रीजन है पहला रीज़न आपको सेल्फ एक्चुलाइजेशन हो जाता है कि मुझे करना क्या है तो या तो आप कंपनी छोड़ देते हो या तो आप नेक्स्ट कंपनी में वो काम करना शुरू कर देते हो वो प्रोफेशन मांगते हो जो आपको पसंद है दूसरा रीज़न मनी पीपल लाइक वो मतलब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं लेट्स लेट्स ब्रिंग सम मोर कुछ और पैसे इकट्ठा करते हैं मतलब और लाइफ अफोर्ड करते हैं लेविश लाइफ या कुछ और फुलफिल करते हैं उनके प्लान्स होते हैं वी वी कैन नॉट लाइक थिंक लाइक क्या एक्चुअल में प्लान है बट दे हैव सम प्लान्स थर्ड कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो क्विट करते हैं दे आर नॉट हैप्पी विद द कंपनी करंट कंपनी दे आर नॉट हैप्पी आइदर दे आर नॉट हैप्पी विद द देयर करंट मैनेजर मैनेजमेंट और कंपनी एनीथिंग, बट द थिंग इज दे आर नॉट हैप्पी विद द करंट वर्क कंपनी और मैनेजर दे दिक्व सो मोस्ट प्र यही तीन रीजन होते हैं जो वट आई हैव फील वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री ओके आई एम्प्लॉय विल लीव द कंपनी ओके मे भी कुछ और रीजन भी हो सकते हैं अगर आप आई टी एम्प्लॉय हो एंड आप काम कर रहे हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना वट डू यू फील ओके एंड अगर आप स्विच करने का भी सोच रहे हो तो आप वो एक्सपीरियंस भी शेयर करो व्हाट्स गोइंग ऑन लाइक इन द करेंट वे सो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने एंड जानने मिला होगा इस वीडियो से एंड तब तक के लिए बाय दोस्तों